वहीं कोटा जिले में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके तहत ही संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने सभी 2 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। वहीं सोमवार को संभागीय आयुक्त राजौरिया ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि संभाग के 4 जिला कलेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों से अपने मुख्यालय पर रहने को कहा गया है। चुनाव में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगी। हम मतदान केंद्रों की बात करें तो मैंने स्वयं भी और जिला कलेक्टर के द्वारा भी इन मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा चुका है। वहाँ सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और हम स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से पूरे संभाग के मतदाताओं से बार बार ये अपील कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि वो सभी अपने घरों से निकल कर आएँ और 26 अप्रैल को अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें। ये जिला प्रशासन का और हम सभी का प्रयास है कि जितना भी टर्नआउट रेट रही थी लास्ट लोकसभा इलेक्शन में, उससे हमारा प्रयास है कि हम 3% अधिक इसको बढ़ा सकें।